الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تبارك وتعالى من هذه الايام العشر فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء حديث صحيح رواه الترمذي एक सही हदीस मैंने आपके सामने पेश की है जिसे इमाम तिरमिज़ी रह समेत बहुत सारे अहले इल्म ने रिवायत फ़रमाया है मैंने सुनन तिर्मिज़ी के अल्फाज आपके सामने पेश किए हैं तर्जमा देखें अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसुल्लम ने फरमाया कि जिल्हिज के शुरू के दस दिनों में किए जाने वाले नकमाल अल्लाह को जितने पसंद हैं उतने किसी और दिन में पसंद नहीं जो ज़िलहिज़ का शुरू का अशरा है पहला अशरा है इसमें जो नकमाल बंदा करता है तो अल्लाह ताला को इन दस दिनों में नेकियां जितनी पसंद हैं उतनी किसी और दिन में पसंद नहीं है तो जब ये साहबा ने सुना तो कहा कि अल्लाह के रसूल क्या दूसरे दिनों में जो जिहाद किया जाता है वो भी फजलत में इसके बराबर नहीं है तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि दूसरे दिनों में किया जाने वाला जिहाद भी इन दिनों की नेकियों के बराबर नहीं है इन दिनों में जो अमाल होते हैं इन दिनों में अगर जिहाद है जो भी अमल उसके बराबर नहीं इल्ला रजुल ख़राजा बि नफ्स ही व ममाल ही फलम यर्ज मंदाली का बेशी अ दूसरे दिनों में अगर कोई जहाद पर गया हो अपनी जान हथेली पर लेके अपना माल लेके और शहीद हो गया हो वापस ना आया तो दूसरे दिनों में अगर कोई जाके शहीद हो गया तो बहरहाल इतना बड़ा मकाम उसको मिला है कि इन दस दिनों की नेकियों से ज़्यादा उसको मिल चुका है लेकिन अगर वो ज़िंदा वापस आता है तो फिर उसकी नेकी इन दिनों की नेकी के बराबर नहीं हो सकती ये सनन्त त्रिवेजी की हदीस है इस हदीस से एक असूली बात हमारे सामने आती है बहुत ही अहम बात है जिसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर बैठते हैं बल्कि लोगों के सामने वाज किया जाए तो लोग चौंक पड़ते हैं अभी पिछले हमारा जो आउटडोर प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैंने इस तरह की एक बात कही तो बाद लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने क्या कह दिया हालांकि उसकी दलील इस हदीस में मौजूद है बात यह है कि हम लोगों के जहन में क्या है कि नेकी करने का सबसे बेहतरीन मौसम रमज़ान मुबारक है यानी रमज़ान मुबारक में नेकियों का जो सवाब मिलता है वैसा सवाब किसी और दिन में नहीं मिलता ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है जबकि ये गलत बात है इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान में जो नेकियां की जाती हैं उनकी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत है फजीलत है इससे इनकार नहीं है लेकिन फजीलत में इन दस दिनों में की जाने वाली नेकियों की जो अहमियत है जो फजीलत है इन दस दिनों की फजीलत का मुकाबला रमज़ान वाली फजीलत से नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत आम चीज़ है रमज़ान में सद का करना लोग सद का खैरात करते हैं पैसे बांटते हैं मोचने दिन झोला झंडा लेके घूमते रहते हैं रमज़ान में तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सद खैरात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रमज़ान का महीना है और ये जो अशर ज़िलिजा है ज़िलिज के शुरू के दस दिन है इसमें शाह व नादिर ही कोई नज़र आता है सद का खैरात करती हुई मतलब वो शौक़ वो ौक नहीं दिखाई देता उसकी वजह ही कि इनके जहन में क्या बैठा हुआ है कि रमज़ान में खर्चा करेंगे तो ज़्यादा स्वाब मिलेगा हालाँकि ज़िलिज में अगर आप सद का करें तो रमज़ान में की जाने वाली खैरा से कई गुना ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा क्योंकि इसकी दलील मौजूद है ये ऐसे हम नहीं कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाज हदीस है कि इन दस दिनों में अल्लाह ताला को जो आमाल अल आमालमल इन दस दिनों में किए जाने वाले नेक आमाल अल्लाह को जितने पसंद है उतने पसंद किसी भी और दिन में नहीं है तो उसमें रमज़ान भी आ गया तो अगर आप इन दस दिनों में सदका खैरात करते हैं और आपका कोई भाई रमज़ान में सदका खैरात करता है तो सवाब में आप उससे आगे सवाब में आप उससे आगे ये सदका खैरात की मिसाल मैंने आपके सामने दी एक और मिसाल है कुरान मजीद की तलावत की मुबारक का महीना आता है तो कुरान मजीद की तलावत भी हम करते हैं और करना भी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है और सवाब भी ज़्यादा मिलता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इन दस दिनों में भी इसका एहतमाम होना चाहिए कुरान मजीद की तलावत का क्योंकि इन दस दिनों में तलावत का जो सवाब आपको मिलेगा वो सवाब आप रमज़ान में तिलावत करके नहीं हासिल कर सकते तो ये इन दस दिनों की फजीलत है तिलावत का एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जैसे दुआ का मसला है रमज़ान में हम दुआ करते हैं बहुत सारे लोग दुआ करते हैं और समझते हैं कि सबसे ज़्यादा रमज़ान ही में उसकी अहमियत है हालांकि ये जो अशरे लज्जा हैं इन दस दिनों में भी अल्लाह तला से दुआ करनी चाहिए दुआ भी एक इबादत है सारी इबादतों में कि रूह जो है दुआ ही है अल्लाह से कुछ मांगना अल्लाह से तल्लु कायम करना अल्लाह का जिक्र करना तो इन दस दिनों में अगर हम जिक्र असकार करें दुआ करें तो रमज़ान से ज़्यादा सब हमको यहाँ मिलने वाला है और इन सारी बातों की जो दलील क्या है वही हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया यानी दो टोक में यह हदीस फैसला कर रही है कि इन दस दिनों में जो नेक आमाल के सवाब मिलने वाले हैं अल्लाह ताला को जो पसंद है उतने नेक आमाल अल्लाह ताला को किसी और दिन में पसंद नहीं है इसलिए इतने अहम अशरे को हमें ज़ाय नहीं करना चाहिए बल्कि इसमें हर तरह की इबादत चाहे कुरान मजीद की तलावत हो नमाजों का अहतमाम हो सदका खैरात हो दुआएं करनी हो जिक्र अजकार हो तस्बीह हो तहलील हो और ख़ास तौर से वो इबादतें जिनकी खसूसी ताक़द की गई है कि इन दस दिनों में आप करें जैसे इन दस दिनों में बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए जैसे एक और चीज़ इन दस दिनों में तकबीरात कहना चाहिए तकबीरात के बहुत सारे सेगे हैं सबक्राम से वारिज हैं कोई भी सेगा आप याद कर लें जैसे एक बड़ा आसान सा सेगा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा बहुत आसान है या पढ़ते नहीं चलते फिरते उठते बैठते पूरे दस दिन तक बल्कि दस दिन के बाद भी तशरीक के आखिरी दिन शाम तक तो ये वो आमाल हैं जो हदीस में जिक्र हैं कि इनको करना है इन दस दिन में करना चाहिए ऐसे रोज़ा भी एक हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के नौ दिनों का रोज़ा रखते थे दसवा दिन चूंकि ईद है ईद कुर्बा तो क़ुरबानी के दिन यानी ईद के दिन रोज़ा रखना हराम तो इसलिए नौ दिन का रोज़ा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम रखते थे तो ये तो वो चीज़ें हैं ना जिनको मेंशन करके कहा गया है कि इन दस दिनों में इसका अहतमाम होना चाहिए तकबीरात हैं रोज़ा है बाल और नाखून छोड़ देना है तो ये इन दस दिनों में इन पर ज़्यादा तोज्ह होनी चाहिए इसके अलावा आम नफली इबादत है बल्कि इन दस दिनों में कुछ और भी ऐसी इबादतें बड़ी बड़ी इबादतें हैं अल्लाह तला जिनको तोफ़ी दे उसको अदा करते हैं इससे हज कितनी बड़ी इबादत है ये भी नहीं दस दिनों में है अल्लाह जिसको तौफीक देता है वो अदा करते हैं तो हज बहुत बड़ी इबादत है और वो इन्हीं दस दिनों में अंजाम दी जाती है कुर्बानी भी एक बहुत बड़ी इबादत है वो तो दसवें दिन हम करते हैं बल्कि इन दस दिनों में सिर्फ एक दिन ऐसा है जिसको अरफा का दिन कहते हैं उस दिन अगर कोई रोज़ा रख ले तो सही मुस्लिम कैदी से कि पिछले एक साल की गुनाह और अगले एक साल की गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो खुलासा ये कि जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है इसमें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक ओसूली बात रख दी है कि ये दस दिन ऐसे कीमती दिन हैं कि इन दस दिनों में आप जो भी इबादत इबादतें शर्त यह है कि वह इबादत किताब किताबों सुन्नत से साबित हो अपनी तरफ़ से कोई बना के इबादत नहीं करनी है अपनी तरफ से बना के इबादत नहीं करनी है कि इबादत साबित होनी चाहिए या तो ख़ास इन दस दिनों के लिए साबित हो जैसे तकबीरात भी हैं नौ रोज़े हैं और इसी तरह से बाल नाखून छोड़ देना है ये तो ख़ास इन्हीं दिनों के लिए है इसके अलावा जो जनरल इबादत हैं जिनका कोई ख़ास वक्त नहीं है आप कभी भी कर सकते हैं जैसे कुरानी मस्जिद की तिलावत है दुआ करना है ज़िक्र स्कार करना है तो ये एक आम इबादत है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं तो उन इबादतों को यहाँ ला के करें इन दस दिनों में तो ख़ुलासा ये है कुल मिलाकर बात ये है ये दस दिन बहुत कीमती है हमारे लिए और जितना हो सके हम इन दस दिनों को इबादत में गुजारें और देखिए सहाबे कराम की ज़िंदगी हम देखें तो वो दस दिन क्या एक महीना क्या वो तो मतलब पूरी ज़िंदगी इस ताक में रहते थे इबादत का कौन सा मौका मिल जाए और हमसे वो मिस ना होने पाए तो सहाबे कराम सही बुखारी कह कि गरीब साहब कराम मतलब अल्लाह के नबी सल के पास आए और शिकवा कर रहे हैं कि जहाबा अहल बिलजूर कि जो मालदार लोग हैं वो तो स्वभा में हमसे आगे बढ़ गए तो अब हम उनकी भरपाई कैसे करें जो हमारा लॉस हो रहा है हम उसकी भरपाई कैसे करें क्योंकि कुछ इबादत ऐसे है हैं जो मालदारी कर सकता है जैसे हज उम्र जिहाद, सदका बल्कि ऐसा ही बुखारी में इन चार इबादतों का जिक्र किया कियाबिक राम ने कहा कि सल्लू ना कमान हम नमाज़ पढ़ते हैं वो भी नमाज़ पढ़ लेते हैं यसूमू न कमानसूम हम रोज़ा रखते हैं वो भी रोज़ा रखते हैं लेकिन या हजून व या तमिरुना व युजाहिदू ना व या तसदून या कि वो हज करते हैं उमरा करते हैं जिहाद करते हैं सदका करते हैं ये चार बड़ी बड़ी इबादतें हैं जो माल के बगैर नहीं हो सकती हैं गरीब साबिक राम ने कहा कि हमारे पास तो माल नहीं तो हम ये चार कैसे करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सलूल ने उनको तरीका बताया आ, कहा कि आ, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ अगर तुम उसको अपना लो उस पर अमल कर लो तो अदरक तुम मन सबक सब तो ये जो मालदार साहबा तुमसे आगे बढ़ गए हैं नक्यू में तुम उनके मकाम को पहुंच सकते हो यानी एक दूसरा रास्ता अल्लाह के नबी सल वसम उनको बताया जिसमें पैसे नहीं लगने थे लेकिन एक इबादत का रास्ता बताया कि तुम ये तरीका अपना लो उनके बराबर पहुँच जाओगे वो क्या था नमाज के बाद जिक्र असकार है ये जो चाट लगा हुआ ना लगा था है, पे कहां गया उसको पढ़ना नमाज के बाद ये यानी अल्लाह तैतीस बार तैतीस बार अलहमदिल्ला चौतीस बार अल्लाह यही पढ़ना था तो कहा अगर यही फार नमाज के बाद पढ़ा करो तो तुमको बहुत बड़ा सवाब मिल जाएगा तो आप देखें कि जब मालदार साहब कराम को पता चला कि अल्लाह के नबीसम ने इनको यह तरीका बताया है तो वो लोग इस पर भी अमल करने लगे मतलब उन लोगों ने भी अमल करना शुरू कर दिया तो फिर आए साहब कराम की अब हम क्या करें तो अल्लाह के नबीमें अजदारी का, का फजल ही होती हमेशा कि अल्लाह का फजल अल्लाह जिसको अता कर दे तो ये वो जमाना था सा� साहब कराम का जो नेकियों में एक दूसरे से सफ़त करने की कोशिश करते थे यानी ये अशरा किया रमज़ान किया वो तो पूरी ज़िंदगी बल्कि उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह नो जिनको एक मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि माँ उस्मान मा अमिला आमिल आबादी ओम कत कि आज के बाद उस्मान चाहे जो करे या कुछ भी ना करे उसको कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं इतनी बड़ी सर्टिफिकेट दे दी कि उस्मान बिन अफ़ान चाहे वह कुछ भी ना करे जो चाहे करे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन जब उन पर जानलेवा हमला हुआ उनको शहीद किया गया जिसम लहू लहान है लेकिन उस आखिरी दिन भी वो क्या कर रहे हैं रोज़े से हैं और तो कुरान की तलावत कर रहे हैं इस हालत में इस दुनिया से गए भाई ज़िंदगी भर रोज़ा रखने वाले ज़िंदगी भर कुरान पढ़ने वाले और अल्लाह के नबी सुन ने जन्नत की सर्टिफिकेट दी है प्लस ये भी कहा है कि अब कुछ भी करो नुकसान पहुँचने वाला नहीं इस सब के बावजूद भी आखिरी सांस भी बगैर इबादत के नहीं ले रहे हैं तो अब हम अपने आप को देखें कि हमारा पूरा साल कैसे गुजर रहा है है ना तो कम से कम जो रमज़ान का महीना आता है या ये अशरे का महीना आता है तो इसको गनीमत जानना चाहिए किसको क्योंकि इसमें कम वक्त में ज़्यादा निकियाँ मिलती हैं ये ऐसे अयाम हैं जिसमें कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में नकियाँ करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे तरफ़ दें हामिंग ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने आमीन खैरन